नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। बताइए, आप तहसील में क्यों आए? नाम मेरा सुनील कुमार, ग्राम फुलवैया, ग्राम पंचायत। नाम बताइए पहले। नाम मेरा सुनील कुमार, ग्राम फुलवैया। अच्छा, क्या मामला है? तुम अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हो, तहसील चक्कर लगा रहे हो, और समस्या क्या है तुम्हारी गांव? हमारे गांव में फर्जी कार्य ज्यादा हुए हैं। अच्छा, किस नाम बताया आपने? ग्राम फुलवैया। प्रधान कौन है? बुंदन बक्स। बुंदन बक्स नए प्रधान बने? हाँ, नए प्रधान बने। अच्छा, क्या है इनकी समस्या, क्या जब मतलब घोटाला कर रहे हैं गांव में? एक तो इनने पंचायत घर कच्चे रेत से बनवा कर खड़ा किया है, कभी भी गिर सकता है। और मनरेगा के तहत इनने सड़कें जो करीब 5 डरवा रखी हैं वो भी फर्जी हैं, जो 18-19 में हो चुका था भूतपूर्व प्रधान द्वारा कार्य, उन्हीं पर फर्जी कार्य इन्हें दिखा दिया है। गांव में नरेगा जो काम करते होंगे? हाँ, काम कर रहे। बच्चे क्या कह रहे थे? हाँ, बच्चे हमारे यहाँ अधिकतर 14-13 साल के बच्चे काम करते हैं, 40-35 साल वाले के लिए कार्य ही नहीं मिलता है। नहीं, नहीं, उन्हें कार्य नहीं है, बच्चों के लिए कार्य है। और तुम क्या चाहते हैं मीडिया द्वारा या कार्य द्वारा, क्या आपको हेल्प मिले? हम यही चाहते हैं इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या जैसे कार्रवाई की जाए, क्या तुम आप कह रहे हैं रिकवरी करवाएं, क्या करवाएंगे? हाँ, रिकवरी इन पर होनी चाहिए जो गलत सड़कें पर ही है नरेगा की। तो तुम्हारे साथ कितने लोग होंगे लमसम में? कम से कम 10-12 लोग हैं हमारे साथ। और लोग तुम्हारे कहाँ खड़े हैं? यहाँ तहसील में खड़े हैं। तुम अकेले इधर आए? हाँ, अकेले इधर आए। 20-25 लोग तुम्हारे साथ हैं? क्या नाम के हैं? नाम अजय कुमार, मोहम्मद फारूक, अमर सिंह, ओम प्रकाश, सर्वे, छत्तरपाल, रक्षपाल, सूरज, प्यारे नबी। तो तुम लोग पीछे क्यों कर रहे हैं प्रधान, क्या समस्या है? हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, इसकी रिकवरी होनी चाहिए। अगर हम नरेगा में जैसे तुम्हारी समस्या कोई ना कोई होगी, क्या मामला है? समस्या है हमारे जैसे नौजवान है, उन्हें कार्य नहीं मिल रहा है, बच्चे कार्य कर रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं? हाँ, बच्चे कर रहे हैं। उम्र कितनी होगी उनकी? उनकी 12-13 साल, 9 साल तक। उन्हें कुछ टोकते हो प्रधानों को, तुम्हारी क्या धमकी देते हैं? वो यही धमकी देते हैं, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अधिकारी हमारे हैं, सब वो अपने पक्ष के कहते हैं। प्रधान जी, आप पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम सौलत हसन। किस वार्ड? प्रधान पुत्र प्रधानिया के बुंदन बक्सन, जो हमारे पिताजी हैं। उस गांव के आरोप लगाया कि आपने 1-2 साल काम होने बाद भी आपने उसको दोबारा रिपेयरिंग करवाई। नहीं, ऐसा कोई दूसरी बात, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि आप बच्चे, नाबालिग बच्चों से मनरेगा काम करवा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई संज्ञान में नहीं, हमने जो भी कार्य कराए हैं मिट्टी के नरेगा के कार्य, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो 2-3 साल से पहले का हो। कुछ बच्चे नरेगा में, ये भी आरोप गलत है, क्योंकि जो भी बच्चे काम कर रहे हैं वो शादीशुदा हैं। अच्छा, ठीक है, 18 साल से कम का कोई काम ही नहीं कर रहा है हमारी नरेगा। बच्चा वीडियो में छाए हुए हैं। हाँ, बच्चे भी यहाँ पे, कोई लड़का है? हाँ, यहाँ पे लड़के हैं, ये एक खड़े हुए हैं और एक ये मोहम्मद यासिन, इधर आ जाओ। उस्मान शाह। क्या प्रधान रह चुके हैं? पूर्व प्रधान। कितने वर्ष पूर्व? 2005 में। 2005 में। अच्छा, जो आज प्रधान तुम्हारे हैं, क्या नाम उनका? बंधन बक्स। बंधन बक्स। इन्होंने जैसे आपने विकास उतना नहीं कराया, उसके बाद आप तुम्हारे किसी प्रधान कौन थे वो? अच्छा, मोहम्मद अली हैं। उनने भी नहीं कहा। तो जो प्रधान तुम्हारे इस टाइम मौजूदा, क्या नाम बताया? बंधन बक्स। अच्छा, इन्होंने क्या क्या करवाया जो तुमने नहीं करवाया, तुम्हारे इन्होंने नहीं करवाया, आज इनने करवाया? इन्होंने एक नाला बनवाया है, ठीक, नरेगा की सड़कें बनवाई हैं, तालाब बनवाए हैं, 2-3 तालाब खुदवाए, बनवाए जी, खुदवाए नरेगा से। तो पहले उसमें कब्जा था, क्या चक्कर? नहीं, कब्जा नहीं था। अच्छा, पंचायत घर? हाँ, पंचायत घर बनवाया। और क्या बनवाया? और शौचालय बना हुआ है। शौचालय जी। गांव में लाइट की व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था जो है सही है। खंबे बल्ब जलते हैं? खंबा लगे खाली? खंबा पर तो लाइटें मोहम्मद अली ने लगवाई, अब अपने तरफ से कोई नहीं लगी। 1.5 साल में मतलब रोशनी ने नहीं करवाई भी? नहीं, अभी नहीं, नहीं लगवाई है। अच्छा, नल कितने सही करवाए, कितने खराब पड़े हूँ? लगभग नल एक रिबोर कराया है पूरे गांव में। तीन कराए थे, 3 नल पूरे गांव में। मतलब इन्होंने कुछ विकास की लहर चलाई नहीं चलाई? मैं चला रहे हैं। तो जैसे जो दूसरे पक्ष से लोग लगे तो वो इन पर विपत्ति गिरा रहा है या क्या चक्कर, जो विकास नहीं करवा रहा है? ये तो अपनी जिद में दिखा रहे हैं साहब, दूसरे लोग जैसे क्या क्या आरोप लगाते हैं इनके खिलाफ? इनके का उनको अवैध नाला कब्जा, वो कब्जा मुक्त कराए दो, नाला बनवाए दो, तो इसलिए जो कर रहे हैं। तो पहले जो नाला था किसके खेत में था?
जिस सब लोगों ने खेत में गांव वाले तो वो कब्जा था खेत में हाँ, पाट रखा था पुराना नाला। कितने साल से पड़ा होगा भागो कम से कम और का। तो जब आप प्रधान तो आपके नाले में था वो नाला वो हाँ नाला था वो, तो आपने क्यों नहीं खुदवाया वो हमने खुदवाया थोड़ा खुदवाया फिर हमने वो बंद करा दिया। अच्छा क्यों उस समय बारिश होने लगी पानी बहुत आ गया था। तो 15 साल आपने खुदाया नया इसमें लोग मतलब आपत्ति लगाने लगे। हाँ प्रधान जी काम सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं बस दूसरे पक्ष लगाने रहते हैं। क्या नाम तुम्हारा मुन्ने मुन्ने कहाँ रहते हो बलभैया प्रधान जी कौन तुम्हारे नाती क्या नाम उनका है उनको नाम है सावलत से। अच्छा जी प्रधान जब से बने हैं तुम्हारे गांव कुछ तरक्की करी या नहीं करी तरक्की का जब बात समझने ना आए कहाँ करे बाकी समझने ना। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।